सो गाइस आज स्टार्ट होने जा रही है एक न्यू एसएमपी पुजार एसएमपी। गाइस एसएमपी के स्टार्ट होते ही मैंने अपना एक गोल बना लिया था कि एसएमपी के फर्स्ट डे में ही मैं एक प्लेयर को बैन करने वाला हूँ, तो देखो कैसे करता हूँ मैं बैन। सो गाइस हियर वी गो, अब करने जा रहे हैं पुजार एसएमपी का सीजन 1 स्टार्ट एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट इट। एंड गाइस एसएमपी के स्टार्ट होते ही हर कोई अपनी ग्राइंडिंग पे लग जाता है, बट मेरा माइंड कहीं और ही था। एसएमपी की स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, मेरे साथ फिर कुछ ऐसा होता है जो पुजार एसएमपी की हिस्ट्री में लिखा रहेगा, आगे जाके बहुत काम आएगा। नहीं लेट्स गो जी जीज भाई, और बंदे भी यही आ रहे हैं। ब्रो नो आई एम नॉट डाइड हेलो ब्रो। नहीं ब्रो यस गाइस मैं मर चुका था, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी मर जाऊंगा एसएमपी में। और यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी पुजार एसएमपी की डेडलीस्ट लाइफ जर्नी। एंड गाइस दिस इज माय एल्प एसएमपी एप्लीकेशन, मुझे पता है मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई है पर शायद ये लास्ट हो, और उसके बाद मैं मिस्टर पांडा को वीसी बुलाता हूँ और उससे टीम के लिए बात करता हूँ। मैंने राफे फीवर को मारा है, पीडीएफ आया, उसने मुझे मार दिया। मुझे पता चल गया है भाई, मुझे पता है मेरे सब बहुत ऊपर बिट रहा होता है, मैं सिर्फ टीम बनाता नहीं हूं शुरू में। एंड यहाँ पर पांडा मुझे ये कह रहा था कि उसके साथ भी बहुत सारे बिट्रेयर्स हो चुके हैं ऐसे एसएमपीज में, इसलिए वह शुरू में टीम नहीं बनाता और वो मेरे साथ टीम करने से भी नहीं मान रहा था, और वो कहते थोड़ी बहुत ही ग्राइंडिंग करके फिर हम टीम करेंगे और क्या मैं लग जाता हूँ ग्राइंडिंग पे। एंड गाइस यहाँ पर मेरा रिवेंज हो चुका है क्योंकि बीडीएफ को पांडा ने मार दिया है। लेट्स गो पांडा। गाइस इतनी सारी माइनिंग करने के बाद मेरे पास पूरा डायमंड आर्मर हो जाता है और एक विलेज भी मिल जाता है। पर के अंदर अभी एक नया बंदा आया वंदा लेजेंड, और ये मेरे से टीम करने का कह रहा है, यार इसे वीसी बुला के अभी मैं टीम करता हूँ और फिर हम करने वाले हैं इसको बैन। लेट्स गो अभी इसको मनाते हैं थोड़ा, और मैं करने के वाला मैंने इसे कहीं अपनी ऐसे ही बेस पे लेके जाऊँगा फजूल से बना के नाई बना के, और उसमें जाके सिखाऊंगा ये मेरे रियल बेस और रिस्पॉन पॉइंट लगवा के, फिर हम इसके साथ जो करता होगा आगे करेंगे। लेट्स गो अंदर ले, कहाँ पहुंचे हो यार जल्दी हो। अभी मैं -27 पे ऊपर, इधर ओशन दिखा रहा है ब्रो, आई डोंट नो व्हाई आई एम मूविंग कोऑर्डिनेट्स भाई, मेरे को कोऑर्डिनेट्स पढ़ने नहीं आता लिटरली। फाइनली आ चुका है यार, तू इतनी देर से आया यार, इतना देर खड़ा है, आ जा मेरे पीछे, इधर आइए वाला बेस, शायद यही था ना, ये तुम्हारा बेस यही था ना, हाँ ये इधर नीचे नीचे। अभी मैं बना रहा था ना तो मैंने यही कुछ विलेजर पकड़े और थोड़े से चेस्ट का सामान क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है ऊपर ही लगा दिया। और यहाँ पर बहुत देर लाइक 2-3 घंटे वो भी रात के वंदा लेजेंड के साथ खेल के उसे वो अपना फुल ट्रस्ट दे के फिर मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। मैं उसे ये कह के विलेज में खड़ा के जाता हूँ कि तो विलेजर्स की थोड़ी रेस्क्यू कर इनको कर, और दूसरी तरफ मैं ग्राइंडिंग ऑब्सीडियन ग्राइंड करके एक ऑब्सीडियन का रूम बना रहा होता हूँ, और आगे आप देखो। बोल तो कर दिया मैंने अभी, ये उठाया था इसे। हाँ वंदा लेजेंड हेलो। हाँ बाहर कहाँ पे मैं वो ढूंढ रहा हूँ। मैंने तेरे लिए ना एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज क्या रखा है दे, कहाँ पे देऊंगा नीचे देऊंगा। क्या नीचे मेरा वो था वो विलेजेस वगैरह यार। एक तेरे पे डायमंड है ना? हाँ ये तो थोड़ा है, लेकिन मैंने तेरे लिए बहुत देर लगा के एक सब्सक्राइब वो क्या सब्सक्राइब बोल रहा हूँ सरप्राइज रखा है, आ जा इच्छा आना मेरे। चलो थोड़ा थोड़ा ड्रामना टाइप है पर
मतलब सही है, वो क्या है दे? ऑब्सीडियन इसी का इसी में, इसी में। इसी में हाँ एक मिनट एक मिनट, यही यही खड़ बस उधर। हाँ यहाँ पर तेरा सरप्राइज है, ठीक है, आराम आराम से अंदर आए, आ जा अंदर मैंने आ कुछ जा ना कुछ आ जा। देखा था। ये सच, यो आर यहाँ इन क्राइम जो कुछ भी है सब तेरे लिए, जा देख। मैंने बोल उठा ले उठा ले, हार्ट भी। ए रुक जा, ये तो फूड भी है। वाह भाई ये सब तूने ग्राइंड करके हाँ लाया। हाँ 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 पा तो देख, बोल मैंने तेरा सरप्राइज अभी रखा हुआ है, वो इस क्यों, ये बेड को बेड किस दुबाने लिए से है? ही रुक जा क्लिक मिलेगा करके देखूं। पर कुछ सरप्राइज नहीं के हो रहा, लिए। मजाक करता है वो तू, होगा कुछ भी होगा तो नहीं हो होगा, रहा है। एक मिनट हो एक मिनट, सब्र तो कर, होगा। ओए बंदा लेजेंड, अपनी पिकेक्स दे, मैंने वो माइनिंग करनी है थोड़ी सी, मेरी पिकेक्स टूट गई है, शील्ड भी नहीं है। हाँ पिकेक्स दे दे, अबे वापस चूरे ले लिए, देना दे तो सही। एक मिनट लेट्स गो, एक मिनट बाद में कर लूँगा माइन तेरे। और यहाँ पर बैक टू बैक मेरे सारे प्लान पास हो ही जा रहे थे, और यहाँ पर मैंने सिर्फ पिकेक्स भी ले गई ताकि कोई वो ब्लॉक तोड़ ना पाए, और अब टाइम था उसे बैन करने का। पावर पावर, ए ये क्या कर रहा है? ओ शिट, कुछ भी नहीं, नो सरप्राइज पावर सरप्राइज। तो आए तो आजा आजा, इसलिए बुलाया था कि इनविटेशन दिया था। ये सरप्राइज है मेरा। नो अच्छा रोक रोक रोक, अब तुझे पता है तू बैन होने वाला है, पता है ना? क्या तुझे पता है, शायद मुझे लग रहा है तुझे पता है कि तू बैन होने वाला है। ये काम मैं अगर मैं मार दूंगा, ये काम है, ये काम नहीं, है, तोड़ना कोई चीज नहीं, अबे मेरी बात सुन। तू अभी बैन होने वाला है, आई थिंक तुझे पता है, नो ठीक है? तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ए तोड़ना नहीं है, कोई चीज तोड़नी नहीं, या तो तू अपने सारे हार्ट वे विड्रा करके दे दे, या फिर ऐसे बैन हो जा, क्योंकि ये एसएमपी लाइफ स्टाइल है, और मैं इस एसएमपी का सबसे पहले मरने वाला प्लेयर भी रह चुका हूँ, और मैं इस एसएमपी का सबसे डेडलीस्ट प्लेयर भी बनना चाहता हूँ सबसे पहले, इसलिए मुझे हार्ट चाहिए, हार्ट चाहिए होंगे। तुम्हें हार्ट कहाँ से कमाऊंगा? कमाएगा क्यों, तू बैन हो रहा है तो ये तो नहीं पाओ जरूरत ही पाओ नहीं ना, है। कितना अरे चल हार्ट मैं चाहिए रख लेता हूँ, क्या? ये रहा ये रहा। बहुत सामान दे दो, तेरे को हार्ट चाहिए? ये तो अरे तोड़ मेरे को ये बता, भाई। तेरे पास तेरी पिकेक्स है? एक मिनट, एक पिकेक्स है, ये दे मेरे पास है तेरी पिकेक्स। तू अब किसी तरह भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तोड़ने की कोशिश करेगा मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने। तू अभी कितने हार्ट पे, ये बता पहले। चार आठ पे वही चार है, तीन कर विड्रॉ रहा कर, करती है। तीन विड्रॉ करके दे, कितने तीन। भाई? मैं भाई एक हार्ट पे हो जाऊंगा अगर मैंने मुझे विड्रॉ कर दी, फिर एक हार्ट पे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे हार्ट्स चाहिए। अगर तू तीन हार्ड मुझे देता है, मैं एक हार्ट पे हूँ। अगर तू तीन हार्ड मुझे देता है तो शायद तू यहाँ से बच सकता था। लेट्स गो गाइस, भाई भाई मेरा फर्स्ट डे था ये इसमें, और तूने बैन कर दिया फर्स्ट डे में। भाई आई डोंट केयर ब्रो, मैं इस एसएमपी में सबसे पहले मरा था, और मैंने उसी वक्त से वादा किया था कि एसएमपी का सबसे पहले डेडलीस्ट प्लेयर मैं बनूंगा, और इस वक्त मेरे पास पूरे पूरे 21 हर्ट्स हैं, और वैसे देखा जाए तो कोई 40 तो जाएंगे।
एंड नाउ मैं अब पुजावेस एमपी का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट प्लेयर बन चुका हूँ।